नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 21 शिकायतें प्राप्त हुई। तहसील दिवस में एसपी देहात व अंडन ट्रेनी सीईओ ने शिरकत की। इस दौरान 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जहां दोनों अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना और फरियादियों की शिकायतों पर शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान डीआईजी सुधीर कुमार भी जानसर तहसील में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच गए। हालांकि उन्हें गंगा स्नान मेले की व्यवस्था देखने के लिए शुक्रताल जाना था। कुछ समय के लिए वह तहसील परिसर में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में रुककर फरियादियों की शिकायतें सुनने लगे। इसके बाद शुक्रताल मेले की व्यवस्था देखने के लिए चले गए। हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था जी, यहीं ताल ले जी। कौन सी तारीख में हुआ था? 24 तारीख को। अच्छा, 6 बजे करीब। उसके बाद हमने थाने में एप्लीकेशन दी थी जी, वो हमारी अज्ञात में कर दी उन्होंने, जबकि पता था उन्हें कि कोई जटवाड़े वालों के साथ में एक्सीडेंट हुआ था। हमारे पास मोटरसाइकिल की प्लेट है। इन्होंने बोला है कि इनको तुम्हारा काम हो जाएगा 2-1 बजे करीब। मेरा जेठ मुझे बहुत तंग करता है, मुझे मार पीट करता है। कई बार पीट ली उनने, मेरे मारने की धमकी दे जाए, मेरे बच्चों को पिटता है, मेरे आदमी को मारने की धमकी दे, गोली मारने की धमकी दे रहा है बहुत। आज सुबह जब मैं छत पर आई थी, वो उतर के तो रोड ही ठहरा रहा था हमारे डेस्क के बच्चे, हमने उसे मना कर, तुमने मेरे पे ईंट मारी और मेरा खूब बजाया, कीचड़ कीचड़ के पिटी उनने। मैं थाने में तहसील दी, उन्होंने फोन करवा दी, उन्होंने किसी से वहाँ कोई नहीं आया। थाने में फोन करा रखे हैं और हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। आज सुबह दी थी। अच्छा, 112 पे भी हमने कॉल की थी, वे भी आए थे, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए हमें जानसर तहसील में आना पड़ा। अच्छा, यहाँ क्या आश्वासन मिला है? यह कह रहे हैं चलो हम देखते हैं।